हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, तो इस महामारी के दौरान आखिर क्यों ऑफिस आकर परमिशन लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है, उसी तरीके से ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये परमिशन है, हम लोग यहाँ अगर अप्लाई भी कर देते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे या नेट पे या ईमेल आईडी पे इसका मैसेज आ जाना चाहिए, हम लोग वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इतनी गैदरिंग इकट्ठा करने की जरूरत तो नहीं है। हजारों गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर किसी एक आदमी भी पॉजिटिव हुआ तो ये बीमारी हजार लोगों से हजार गाँव में फैल जाएगी और वहाँ पर हॉस्पिटल और ये सब लोग परेशान रहेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे का, जैसे हम लोग टिकट का प्रिंट आउट भी नहीं लेते हैं, एक मैसेज ही टीटी को दिखाते हैं और अपनी सीट पे बैठ के रिजर्वेशन भी लेके घर आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी क्यों नहीं जब सेंटर से हो सकता।